हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम जिंजर ऑयल बनाएंगे। ये ऑयल हमारे बालों को काला, लंबा और मजबूत बनाता है। इस तेल में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि हमारे स्कैल्प को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन होने से बचाती है। ये तेल हमारे गंजेपन और दो मुए बालों की समस्या को दूर करता है। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, रूखे सूखे हो गए हैं या फिर उनमें बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गई है, तो ये उस प्रॉब्लम को भी दूर कर देगा। प्लस इसके रेगुलर यूज से आपके बाल दोगुनी तेजी से बढ़ने शुरू हो जाएंगे और आसानी से सफ़ेद भी नहीं होंगे। तो आइए इस 100% नेचुरल और इफ़ेक्टिव जिंजर ऑयल को बनाना शुरू करते हैं। जिंजर ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह एक अदरक का टुकड़ा लेंगे और इसके छिलके को अलग निकाल देंगे। तो यह मैंने अदरक के छिलके को अलग निकाल लिया है। तो अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें अदरक के छोटे छोटे पीस करके डालेंगे। तो यहाँ बेसिकली हमें अदरक का जूस निकालना है। आप चाहें तो इसे ग्रेट करके भी इसका जूस निकाल सकते हैं, पर क्योंकि इसे ग्राइंड करने से जूस बहुत ही ईजीली निकल जाता है, तो इसलिए मैं इसे ग्राइंड कर रही हूँ। तो अब हम जार का ढक्कन लगा देंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने अदरक को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब हम एक पैन लेंगे, गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें ग्राइंड करा हुआ अदरक डालेंगे। और अब हम इसमें आधा कप नारियल का तेल डालेंगे। और अगर आपके पास नारियल का तेल नहीं है, तो आप इसकी जगह सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल या फिर कोई भी रेगुलर ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम कर देंगे और अदरक को तेल में इस तरह मिक्स करते हुए इसे 5 मिनट अच्छे से पकाएंगे। ये अदरक का तेल बाजार के अदरक के तेल से बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि हम इसे घर पर बिल्कुल नेचुरल तरीके से बिना कोई केमिकल ऐड करे बना रहे हैं, इसलिए आपके बालों पर 100% इफेक्टिवली वर्क करता है। तो यह तेल बनाते टाइम एक बात का ध्यान हमेशा रखेंगे कि इसे बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर ही बनाएंगे, क्योंकि अगर आप इसे हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो अदरक की जो गुडनेस है वो तेल में नहीं आ पाएगी और आपका तेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो अब हम इस तेल को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें 1/4 कप कैस्टर ऑयल डालेंगे। कैस्टर ऑयल हमारे स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है, साथ ही हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी बनाता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि हो सके तो आप भी इसमें 1/4 कप कैस्टर ऑयल का यूज़ ज़रूर करें। तो ये मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। तो अब हम तेल को 5 मिनट और पका लेंगे। तो ये मैंने तेल को टोटल 10 मिनट अच्छे से पका लिया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि तेल का कलर चेंज हो गया है और अदरक की सारी गुडनेस तेल में अच्छे से आ गई है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसे ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसे छानेंगे। तो यहाँ हमारा तेल भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे एक स्ट्रेनर की हेल्प से अच्छे से छान लेंगे। तो यह मैंने तेल को अच्छे से छान लिया है और आप देखिए कि हमारा जिंजर ऑयल बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम इस तरह कोई भी कांच का कंटेनर ले लेंगे और इसमें तेल को स्टोर करेंगे। ये जिंजर ऑयल आपके बालों को काले, लंबा और मजबूत बनाता है। ये आपके हेयर फॉल और बालनेस की समस्या को भी दूर करता है। ये तेल आपके बालों को बहुत ज़्यादा स्मूथ, सॉफ्ट और शाइनी बनाता है। प्लस इसके रेगुलर यूज से आपके डैंड्रफ और दो मुए बालों की समस्या भी एकदम दूर हो जाती है। आप इस तेल को किसी भी एयरटाइट कंटेनर में भर के 6 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी इस तेल को एक बार ज़रूर बनाइएगा और इसका रेगुलर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि ये कितना इफेक्टिव है। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।